नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आज चूंकि 15 अगस्त है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, तो इसीलिए मैं आज आपके सामने मेरे पापा के साथ उपस्थित हुआ हूं। और आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण दिन है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम आपके सामने ये अपनी बातें रखेंगे। तो ये बात चूँकि मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूँ कि ये कर्नाटका में एक बात हुई है, एक न्यूज़ आई है, उस पर बहुत चर्चा का विषय बना है, वो कंट्रोवर्सी में भी आया है। तो इस लिहाज से देखेंगे कि क्या उसमें सच्चाई है, क्या फैक्ट्स हैं, क्या एविडेंसेस हैं और क्या उसमें पॉलिटिक्स की जा रही है या नहीं। तो इस बारे में हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आपके सामने ये एक द प्रिंट का न्यूज आर्टिकल रखा हूँ, जो है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ड्रॉप्स नेहरू फोटोज इन इट्स इंडिपेंडेंस डे एट पेइंग ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स। तो ये जो बात यहाँ पे है और यहाँ पे फोटो भी दी गई है, जो कि कर्नाटका राज्य सरकार जो है उन्होंने न्यूज़पेपर को दी थी, और ये सारे उन स्वतंत्रता सेनानी का है जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे भारत के स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान जो है वो दिया गया है। तो इनमें उनके फोटोज़ हैं और साथ में विवरण भी है। तो महात्मा गांधी, जब सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रिवॉल्यूशनरी सावरकर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये जो तीनों थे, लाल बाल पाल, ये उस समय बहुत फेमस हुआ करते थे। फिर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसमें एक बात आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है वो जवाहरलाल नेहरू मिसिंग है। और कांग्रेस में बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे जयराम रमेश ने टिप्पणी की है कि ये बहुत पेटीनेस जिसको कहते हैं वो बीजेपी दिखा रही है। और जवाहरलाल नेहरू क्योंकि उस समय हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और एक आइकन कहलाए जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो इसलिए उनका फोटो, उनका योगदान जरूर यहाँ पे विवरण देना चाहिए था उनका, लेकिन नहीं दिया गया। तो क्या ये पॉलिटिक्स है, आपको क्या लगता है? हाँ, कुछ हद तक, क्योंकि जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो तो सबके लिए रहे, पूरे देश के लिए रहे, लेकिन चूंकि उनका उस समय का जो योगदान था या अन्य नेताओं को योगदान को जो दबाया गया, ये बहुत बड़ी गलती थी। शुरू से कांग्रेस के लोग नेहरू जी की बात तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जननायक हुए हैं, लीडर हुए हैं, किसी भी पार्टी में रहे, उनका योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए इस चीज़ का चर्चा करना जरूरी है। अगर हम एक प्रधानमंत्री के रूप में देखें तो नेहरू बहुत बड़े हस्ती थे, लेकिन अगर राजनीति के तौर पर देखें तो स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी उसे भुलाना चाहती है, दूसरी पार्टी के नेताओं को इग्नोर करती है। कोशिश सभी दल का अपने अपने ढंग से है, लेकिन हम लोग और भी बहुत सारा टॉपिक है जिस पर चर्चा अभी करेंगे, तब पता चलेगा कि कहाँ किस तरह की घटनाएं हुई और उसको कैसे टैकल किया गया। तो आप ये समझते हैं कि जब से कांग्रेस सरकार आई है और उनका जो इकोसिस्टम चला है नेहरू गांधी फैमिली का, उसके कारण बहुत सारे और जो स्वतंत्रता सेनानी या आइकन्स थे उनको दबाया गया या उनके जो योगदान रहे उनको उतना उत्प्रेरित नहीं किया गया है? हाँ हाँ हाँ, यही चीज है। जिन लोगों का योगदान था कांग्रेस के अलावे, उन लोगों को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितने के वो हकदार थे। तो आज हम देखेंगे कि कुछ जो नेहरू, जिनको विजनरी कहा जाता है, जिनको हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे, क्या वो आइकन थे, हम इसके बारे में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो नेहरू ने जो कांग्रेस की अध्यक्षता हासिल की थी वो सबसे पहले
1949 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो कि कांग्रेस की जो अध्यक्षता है उसके लिए, और उसमें सुभाष चंद्र बोस ने लगभग पूरे भारत में जीत हासिल की थी, लेकिन गांधी ने उसका विरोध कर दिया और कांग्रेस मतलब जो सुभाष चंद्र बोस की जो जीत हुई थी उसका विरोध कर दिया, और इस वजह से फिर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। गांधी का मानना था कि जो बोस हैं वो थोड़े से अहिंसा को छोड़ के हिंसा की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है, किसी भी मीन्स से आज़ादी पाना, और ये गांधी उससे एग्री नहीं करते थे, तो इसीलिए उनका विरोध किया था। तो फिर गांधी ने नेहरू का नाम सुझाया और फिर नेहरू अध्यक्ष बने थे। उसी के बाद फिर इसी तरह ही आप देखेंगे कि फिर से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जब ये समझ आ गई थी बात कि भारत स्वतंत्र होने वाला है और प्रथम प्रधानमंत्री का चुनाव होना था, तो उसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जीत हासिल की थी पूरे भारत में, लेकिन फिर उसमें भी गांधी ने वल्लभ भाई पटेल की जो ये थी उसको जीत को नहीं माना और नेहरू को बोला कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो वल्लभ भाई पटेल बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे गांधी की, और इसके कारण ही उन्होंने फिर जो है पीएम से नेहरू की दे दी। तो आप देख सकते हैं कि नेहरू कैसे ऊपर उठे थे। कुछ टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके, जैसे कश्मीर इशू, क्योंकि जब देश की आज़ादी हुई उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने पूरे भारत को एकजुट करने का, जो भी रियासत था, राजा रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट हाँ, जो भारत के साथ मिलना चाहते थे वो भी, और जो नहीं मिलना चाहते थे उसको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस भी तरह से हुआ उसको भारत राष्ट्र में मिला दिया गया। लेकिन उस समय कश्मीर का इशू जो था वो कुछ दूसरा बन गया, जिसके कारण कश्मीर में आधा कश्मीर पीओके बन गया और आधा इंडिया के साथ रह गया। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर शुरू से ही कोशिश करते तो कश्मीर भी पूरा आ जाता, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू जी के कारण उस पर बहुत दिन बाद उसके लिए प्रयास किया गया, तब तक आधा कश्मीर पीओके बन गया। अब है कश्मीर इशू को कैसे यूनाइटेड नेशंस में ले जाया गया, इस पर हम चाहेंगे कुछ बोलिए। तो बात ऐसी थी कि जब पार्टीशन हुआ था उस समय बाकी प्रिंसली स्टेट का जो मैटर था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आया, और कश्मीर को जवाहरलाल नेहरू खुद अपने तरह से हैंडल करना चाहते थे। तो राजा हरि सिंह जो थे उस समय वो मतलब एक डबल माइंडसेट में थे कि वो साथ में रहे या इंडिपेंडेंट हो, तो उस समय वो इसीलिए उन्होंने एनेक्सेशन की जो ट्रीटी थी उसको साइन नहीं की, और इसी देरी में जिन्ना की तरफ से कश्मीर में फोर्सेस भेज दी गई थी। अब इसके कारण फिर यहाँ भी मतलब राजा हरि सिंह पैनिक हो गए और फिर उन्होंने भारत के साथ एनेक्सेशन ट्रीटी साइन कर ली, और भारत ने फिर वहाँ सेना भेजी, क्योंकि बिना एनेक्सेशन ट्रीटी के सेना भेजना वहाँ पे जायज़ नहीं था। तो इसके बाद कश्मीर से भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को निकाल दिया था, श्रीनगर से निकाल दिया था, लेकिन तब तक में नेहरू जाके यूनाइटेड नेशंस चले गए और फिर वहाँ पे एक थर्ड पार्टी को ये अधिकार दे दिया कि वो फैसला करे कि कश्मीर में क्या करना है, और उस वजह से आज जो हम देख रहे हैं कि कश्मीर का एक मसला चल रहा है वो हमारे नेहरू की देन थी, क्योंकि जब सेना वहाँ जा रही थी तो फिर से सीज फायर की घोषणा कर दी गई नेहरू द्वारा, और इसके वजह से अब वहाँ प्लेबिसाइट और ये सब जो चीज़ें हैं उसका एक बहुत बड़ा ब्लंडर हमें देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आज भी भारत सफ़र कर रहा है। और हम देखते हैं कि जो चार युद्ध हुए हैं पाकिस्तान के साथ उन सब में कश्मीर किसी न किसी तरह से लिंक रहा है, तो ये एक बड़ा ब्लंडर था। अच्छा, धारा 371 या 35
किस समय लगाया गया था और क्यों लगाया गया था, इसकी जानकारी अगर दें। तो ये धारा 370 जो है वो बेसिकली कश्मीर को एक अलग तरह से एक स्पेशल स्टेटस देने की बात की थी। तो उस समय जो नेहरू थे उन्होंने जब राजा हरि सिंह वहाँ से जब एनेक्सेशन हुई थी तो राजा की जो मिल्कियत थी उनका जो रूलिंग था वो ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद वहाँ पे फिर से डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने की कोशिश की गई और इस वजह से, लेकिन कश्मीर चूंकि अब यूनाइटेड नेशंस चला गया था तो ये एक सेपरेट एक अनरिजॉल्व्ड इशू बन गया था और इस वजह से वहाँ फिर 35A के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 35A लाके 370 का अधिकार कश्मीर को दे दिया गया था। और इस वजह से हम देख सकते हैं कि भारत ऐसा राज्य ऐसा राष्ट्र बन गया जहाँ दो कॉन्स्टिट्यूशन थे, एक राज्य का कॉन्स्टिट्यूशन जो कश्मीर जम्मू कश्मीर का होता है और एक भारत का, और दो झंडे भी थे, जम्मू कश्मीर का अपना झंडा था और भारत का। वो जो गलती थी उसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में ठीक की गई थी। तो इसीलिए कश्मीर का जो वो मसला था वो सॉर्ट आउट होने में इतने साल लगे। ये भी हमारे प्रिय नेहरू जी की मतलब देन थी, विजनरी लीडर जिनको कहा जाता है। अब आगे इंडो चाइना वार किस कारण से हुआ था और उसका असर क्या पड़ा, बाद में फिर तिब्बत पर अटैक हुआ तो दलाई लामा या रिफ्यूजी की समस्या भी आ गई, उस पर भी हम लोग चर्चा करें। तो बात ऐसी थी कि जब भारत से विश्व युद्ध खत्म हुआ, भारत से अंग्रेज निकल गए तो चीन से भी जापानीज जो थे उनका भी वो ख़त्म हो गया, फिर वहाँ पे भी एक सिविल वॉर स्टार्ट हुई कोरियन वॉर के बाद, फिर वहाँ पे कम्युनिस्ट की सरकार आ गई। अब कम्युनिस्ट की सरकार की एक पॉलिसी थी एक्सपेंशन पॉलिसी जिसको कहा जाता है। तो जो जब उस समय तिब्बत पे उनका अधिकार नहीं था लेकिन भारत में जब ब्रिटिश गए तो उन्होंने कहा कि आप तिब्बत पे जा सकते हैं, उनको ले सकते हैं, लेकिन जो नेहरू थे वो उस पॉलिसी को इतनी लेजी तरीके से आगे बढ़ाया कि उस समय तक में चाइनीज आर्मी जो थी उन्होंने तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिया। अब दलाई लामा वहाँ से भाग के भारत आए और उनको रिफ्यूजी स्टेटस मिल गई, साथ में और भी बहुत सारे जो तिब्बतन लोग थे वो भी भारत आ गए और इस कारण चाइनीज जो हैं वो गुस्सा हो गए क्योंकि तिब्बत के जो मेन धर्म गुरु थे और सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे वो दलाई लामा थे। उसके बाद भी भारत जो नेहरू थे उन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी चीन के खिलाफ इस्तेमाल की, जिसका मतलब ये था कि बॉर्डर के आसपास जो भारतीय सेना थी वो पोस्ट पे पोस्ट बनाई जा रही थी और भारतीय सेना की तरफ से ये कहा गया नेहरू को कि आप ऐसा ना करें, ये थोड़ा एग्रेसिव लग रहा है, लेकिन नेहरू ने अनदेखी कर दी वो बात। और उसके बाद फिर चाइना की तरफ से और चाइना के साथ भी उनका जो एक मतलब एक रिलेशनशिप था वो ऐसा था कि वो समझ रहे थे ये हमारे दोस्त हैं, हिंदी चीनी भाई भाई। आपको याद है कि उनका एक ये था, क्या कहते थे उसको, पंचशील, हाँ पंचशील जो उनका ये था, तो वो हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन चीनी तो मतलब उससे कोई उनका सरोकार नहीं था। और उन्होंने फिर 1962 में हमला कर दिया। अब उसके पहले भी अक्षाई चीन को उन्होंने ले लिया, जिसपे नेहरू की एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही फेमस वक्तव्य है, वो है कि वहाँ पे तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता है अक्षाई चीन जो मतलब लद्दाख के ऊपर है और कारगिल के आसपास है, तो इसीलिए वो अगर चला जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर था उस समय भी। तो ये दूसरा एक अगर कहें गलती, सीमा के रक्षा के लिए चाहे घास उपजे ना उपजे लेकिन अपनी जमीन को अपने देश को अपने राष्ट्र को बचाना है, ये बहुत बड़ी बात होती अगर उस समय इस पर ध्यान दिया जाता। तिब्बत में भी कोई घास नहीं उगता, बहुत ज़्यादा सपाट इलाका है, बहुत ही ये इलाका, फिर भी वहाँ चाइना ने अधिकार जमा लिया। अब और उसमें क्या था, न्यूक्लियर सपोर्ट के लिए हम लोग चर्चा करें। तो ऐसी बात है कि अभी आपने सुना होगा एनर्जी के बारे में, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, तो उसका भारत मेंबर नहीं है। अब उसका कारण क्या होता है, उससे प्रॉब्लम क्या होती है,
कि जब आप तो मेंबर नहीं होते हैं तो आपके जो दूसरे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो आपके साथ शेयर नहीं करते, जैसे जापान हुआ, साउथ कोरिया हुआ या और कोई देश जो है वो शेयर नहीं करते हैं। इस कारण जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होनी चाहिए, अपग्रेडेशन होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। अब इसका ये इससे नेहरू का क्या कनेक्शन है? तो बात ऐसी है कि जो उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति हुआ करते थे जॉन एफ कैनेडी, उनके तरफ से एक प्रस्ताव आया कि भारत के साथ वो एक न्यूक्लियर समझौता करे जिसमें फिर भारत एनएसजी का मेंबर बन जाए, लेकिन नेहरू ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब उससे हुआ क्या कि भारत उस समय मेंबर बना नहीं। आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हर देश में जा रहे हैं, उनसे जो भी एनएसजी के मेंबर हैं उनसे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब एक मेंबर भी अगर उसमें वीटो कर दे तो फिर आपको सपोर्ट नहीं मिलती, आपको मेंबरशिप नहीं मिलती, और जो वीटो कर रहा है वो है चाइना। तो चाइना उसमें मेंबर बन गया और आप मेंबर नहीं बने तो आपसे चाइना को भी मेंबर बनाने पर उस समय कई तरह की बातें उठी, लेकिन जिस भी तरह से हो चाइना को मेंबरशिप यूएन का बना दिया, जिसका खामियाजा हम लोगों को बहुत तरह से भुगतना पड़ा, उसके विषय में भी हम लोग चर्चा कर लें। हाँ, तो वही एनएसजी के तरह फिर यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी 5 मेंबर है जो आपको पता ही है, उसमें अमेरिका है, फ्रांस है, हाँ, ब्रिटेन है, हाँ, चाइना है, रूस है। हाँ, पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, अब रूस बन गया है, तो 5 मेंबर थे। उस समय भी जब इसकी नींव रखनी जानी थी तो उसमें मेंबरशिप सेलेक्ट हुआ था, लेकिन ऐसा सुनने को आता है वो सच्चाई नहीं है कि हमें कोई मेंबरशिप मिली है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मेरे पास द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसमें नेहरू द्वारा एक क्वेश्चन का आंसर दिया गया था लोकसभा में, ये 27 सितंबर 1955 में डॉक्टर जे एन पारेख ने पूछा था उस समय कि भारत को क्या सदस्यता का ऑफर मिला था डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो नेहरू के तरफ से क्लैरिफिकेशन आई थी, ये उस समय द हिंदू का आर्टिकल है वही 27 सितंबर का, उसमें उन्होंने कैटेगरीली डिनाई कर दिया था कि हमें कोई भी इनविटेशन इस तरह की आई थी, इसीलिए ऐसा कोई सवाल ही नहीं बनता है कि हम उसको रिजेक्ट कर सके। लेकिन इसमें एक बात इम्पॉर्टेंट नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे लिखा है इंडिया हैज़ रिपीटेडली supported the People's Republic of China being given it its legitimate place in the United Nations repeatedly, मतलब बारंबार भारत की तरफ से चाइना को सपोर्ट मिला था, ये 1955 के बाद, और 1962 में फिर चाइना ने भारत पे हमला कर दिया। तो वो एक जो सोच एक विजन जिसको कहते हैं वो लैक कर रहा था नेहरू के उसमें, तो इसीलिए फिर चाइना यूएनएससी सीट में चला गया। और भारत चाहता अगर लॉबिंग करता, नेहरू अगर लॉबिंग करते तो हो सकता था कि हम भी यूएनएससी के सीट में मेंबरशिप हासिल कर पाते, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हुई तो अब जैसे पाकिस्तान के जो भी टेररिस्ट हैं आतंकवादी हैं उनको अगर नॉमिनेट करता है भारत यूएन टेरर लिस्ट में, चाइना उसको रिफ्यूज कर देता है, वीटो कर देता है, जिसके कारण पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे ऐसे आतंकी सरगना हैं जो भारत के विरुद्ध अपना ऑपरेशन चलाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी हम कहें कि फेलियर रही है। और इसमें और आगे हाँ, जैसे कोको आइलैंड या कवाओ वैली टू म्यांमार, इसके लिए भी तो जैसे भारत मतलब अगर कहें तो जवाहरलाल नेहरू की जो शख्सियत थी वो अपने लिए ज़्यादा सोचते थे और भारत के लिए उनका जो ये था अपना इमेज ठीक करने के लिए वो चाहते थे कि उनको याद रखा जाए एक फॉर्म में, बहुत सुशील दिल के एक बहुत काइंडली काइंड हार्टेड उस तरह के उनको याद किया जाए। लेकिन इसमें भारत की जो इंटरेस्ट थी, भारत का जो भी मतलब जहाँ पे भारत का हित था उस पर प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि जब आप भारत के हित की बात सोचते हैं तब आप एथिक्स को भूल जाते हैं, तब आप मॉरालिटी को भी भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, तो एक कोको आइलैंड था जो भारत के पास था उसको उन्होंने म्यांमार को दे दिया,
अब उसका कारण क्या हुआ कि कोको आइलैंड पे आज चाइनीज का कब्जा है, वहाँ पे वो अपने मिलिट्री अपनी नेवी को ले आते हैं और भारत पे एक तरह से सर्वेलेंस करते हैं। साथ में कवाब वैली भी है जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता था, उसको भी नेहरू ने म्यांमार को दे दिया। इसी तरह ग्वादर पोर्ट का भी जिक्र करना जरूरी है इस संबंध में। हाँ, तो ग्वादर पोर्ट का भी यही था कि ग्वादर पोर्ट उस समय ओमान के राजा के पास हुआ करती थी, उनकी जो मिल्कियत थी वो ओमान के राजा के पास थी। ओमान ने कहा, उनके राजा ने नेहरू को ऑफर दिया था कि आप ग्वादर पोर्ट ले लें। देखिए, लेकिन जो आज के दिन में इसका इम्पोर्टेंस कितना बढ़ जाता अगर वो पोर्ट हम लोग के स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट था, अरेबियन सी और उस जो उधर जाता है सुएज कैनाल के तरफ उसके बीच में एक ये था, तो ग्वादर पोर्ट को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर ओमान के राजा ने फिर पाकिस्तान को दे दी। फिर एक और चीज का जिक्र करना जरूरी है नेपाल के बारे में। तो नेपाल में नेपाल के राजा उस समय हुआ करते थे, तो उन्होंने एक ऑफर दी थी कि भारत के साथ नेपाल मिल जाए, लेकिन उस ऑफर को भी नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया। इस वजह से नेपाल भी अभी भी एक सेपरेट देश है, जबकि वो भी हिंदू राष्ट्र है। उसके अलावा हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का भी जिक्र कर ले, ये नाम इसको कहा जाता है। हाँ, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो एक बहुत ही बड़ा फेलियर मैं कहूँगा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उस समय बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था। हाँ, एक सोवियत संघ का और एक जो अमेरिका के सरकार का। अब हुआ क्या कि दोनों चाहते थे कि भारत एक बहुत बड़ा देश था, अब उस समय भी 90 करोड़ की आबादी थी, वो चाहते थे कि अमेरिका अपने पास बुलाना चाहता था और रशिया अपने पास बुलाना चाहता था, लेकिन नेहरू ने कहा कि हम तो किसी के पास नहीं जाएंगे, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको नाम कहा जाता है, जिसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा जाता है, जिसमें जो भी देश जो ना सोवियत संघ के साथ जाना चाहते थे ना अमेरिका के साथ, वो उसने उन लोगों का ग्रुप हो गया। हाँ, तो उसमें क्यूबा और बहुत सारे और भी देश आए। अभी वो चल रहा है लेकिन उसकी रेलेवेंसी नहीं है। उसमें एक प्रॉब्लम क्या हुआ है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट तो कर दिया, तो अमेरिका फिर पाकिस्तान के पास चला गया। हाँ, अब उसके कारण हुआ कि भारत के पास कोई ऑफर ये कोई च्वाइस नहीं बची, चाइना भी पाकिस्तान के साथ, तो अब वो सोवियत यूनियन के साथ फिर बाद में डील करनी पड़ी थी, जो कि 1971 वॉर में आप देख सकते हैं कि बिना सोवियत के रक्षा के कारण अमेरिका के साथ हमारा युद्ध होना था, क्योंकि तो उनके जो सेवन फ्लीट कहा जाता है, सबसे बड़ा बेड़ा वो पहुंच गया था, तो फिर इंदिरा गांधी ने सोवियत यूनियन को खत लिखा था जिसके कारण उनकी भी सबमरीन्स यहाँ पे आ गई थी। तो ये बहुत ही, तब तो नाम का कोई महत्व रहा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि जो 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 देश अमेरिका के साथ गए थे उस समय, वो आज उन्नति पे, चाहे वो जापान है, साउथ कोरिया है, और भी बहुत सारे जो देश थे, बहुत सारे देश ने मतलब खराबी भी हुई है, ऐसी बात नहीं कि अमेरिका के साथ जाना, लेकिन जब सोवियत यूनियन टूटा था उसके कारण भारत भी गरीब हो गया था, पैसे खत्म हो गए थे, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात। अभी तो स्थिति है जो भारत का जो भी कहिए फॉरेन पॉलिसी या जो भी हो, जिसके कारण एक हस्ती बन गया है भारत, अमेरिका भी पसंद करता है और रशिया भी पसंद करता है, लेकिन भारत के अगेंस्ट में अभी कोई भी राष्ट्र कितनों बड़ा है लेकिन वो भारत के विरुद्ध जाना नहीं चाहता है। महत्व भारत का बहुत बढ़ गया है, चाहे जैसी भी स्थिति अंदरूनी स्थिति रहे, लेकिन भारत को अब सब जान जाता है, सब भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री, सभी को देश विदेश सब जगह जाना जाता है। इवन कि पाकिस्तान के जो पूर्व राष्ट्र प्रधानमंत्री बार बार इमरान खान, हाँ, जयशंकर जी का नाम डॉक्टर जयशंकर का विदेश नीति के लिए। हाँ, डॉक्टर जयशंकर का सभी लोग जो जिसके संपर्क में जयशंकर जी जाते हैं उनके लिए एक वो आइकन बन जाते हैं। सही बात।
अब हम लोग पुर्तगाल का भी चर्चा करें गोवा के संदर्भ में। तो जैसे नेहरू का मैंने बताया कि वो उनकी व्यक्तिगत जो उनकी अपनी इमेज थी उसको ज़्यादा वो प्रोत्साहन देना चाहते थे, तो इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि पुर्तगाल पे हमला करके गोवा को छीनना जाए वापस, लेकिन उसके लिए भी वो यूएन गए थे, आपको पता है, दूसरे से प्रेशर देने के लिए भी वो बहुत सारे देशों की जानकारी में तो ये नहीं है उसके लिए भी लॉबिंग करने के लिए यहाँ पे वो नहीं मेंट, तो पुर्तगाल ने साफ मना कर दिया था। उसके बाद हुआ कि हाँ 1964 में फिर पुर्तगाल के तरफ से वहाँ जो मछुआरे थे भारतीय मछुआरे उन पर गोलीबारी की गई थी, उसके बाद फिर भारतीय सेना वहाँ गई थी तो उन्होंने सरेंडर करके फिर गोवा को 1964 में छोड़ दिया था। 1964 या 1962 62 में तो युद्ध हुआ था, हाँ 1964 उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। हाँ ये चीज था। उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन के बारे में तो अगर बातें हो जाए, हाँ तो अगर आप जानते हैं कि कांग्रेस वालों से बात करें तो वो अचीवमेंट्स में बार बार बताते हैं कि नेहरू ने किस तरह से हायर एजुकेशन को दिया था, चाहे वो IIT हो चाहे IIM और इस तरह की चीजें, लेकिन अगर आप देखें तो आपकी जो बेसिक एजुकेशन हमारे भारत की वो अभी भी उतनी ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए था, क्योंकि हम अभी भी 75% के लिटरेसी रेट पे ही अटके हुए हैं, जो कि एक शर्म की बात है, क्योंकि अगर आप दूसरे देशों से कंपेयर करें, चाइना भी हमसे काफ़ी आगे निकल गया, अगर पॉपुलेशन के मेजर में भी बात करें अमेरिका 98% 99% है, जापान 99% है, बाकी बहुत सारे देश जो हैं वो 90s के ऊपर ही हैं, एक भारत है जो अभी भी 75% पे ही हुआ है। तो उसमें IIT IIM मेडिकल इंजीनियरिंग जो भी हो सब पर जोर डाला गया, जो भी सरकार रहा उसको आगे बढ़ाया, लेकिन जो फोकस प्राइमरी एजुकेशन पर होना चाहिए जहाँ से बच्चे आगे बढ़ेंगे, फाउंडेशन कमजोर रह गया, कुछ तो आगे बढ़ गए कुछ पीछे छूट गए, इसीलिए आज भी स्थिति हम लोगों की यही है। ठीक है प्रोग्रेस हो रहा है आगे बढ़ रहा है, स्कूल कॉलेज बहुत सारे खुल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल का होना ज्यादा जरूरी, हाँ इस चीज को आगे बढ़ाना अगर शुरू से बढ़ता तो आज हम लोगों का देश बहुत आगे बढ़ जाता। गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट पार्टनरशिप होना बहुत जरूरी था, इस कारण भी ये बहुत जरूरी। और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लागू नहीं हुआ ना, अभी तक उस पर विस्तृत चर्चा हो रही है, जबकि अगर हमारा देश सिक्योरिटीज को अपनाता है तो स्वाभाविक है यहाँ रहने वाले को भी सब चीज एक समान मानना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म नहीं हुआ अभी तक, ये समस्या है जिसके कारण बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं और वहाँ अलग अलग तरह का धर्म अलग अलग तरह का नियम उन सब का अलग अलग जो भी है जिसकी उस पर चर्चा हो जाती है, और कभी चर्चा हो जाती है कि नहीं साहब सिक्योरिटीज में है तो ये नियम होना चाहिए हिंदू के लिए, तो अलग अलग नियम बाकी सब के लिए। हाँ 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 तो यहाँ पे बात ऐसी है कि जो अगर कहें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की आपने बात सुनी होगी, UCC बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक है अभी के समय में, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जवाहरलाल नेहरू लागू कर सकते थे लेकिन उन्होंने की नहीं। हाँ अगर उसी समय लागू हो जाता तो उससे बहुत सारी समस्या आज के समय में नहीं है, क्योंकि आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सभी नागरिक इक्वल होते हैं तो आप डबल लॉ नहीं लगा सकते, सेपरेट डबल स्टैंडर्ड होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, यहाँ के जो भी रहने वाले हैं बाशिंदे हैं नागरिक हैं उनके लिए तो एक नियम होनी चाहिए। तो उसका एक एग्जाम्पल है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि नेहरू ने जब उनका ये कहना था यहाँ पे एक मिनट टॉपल डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंस यहाँ पे एक बात थी, UCC के समय उनका ये एक मार्ग कहाँ चला गया मैं देख रहा था, यूनिवर्सल वाउचर मार्केटिंग का निर्माण
ये सारी बातें तो हम लोग कर चुके हैं, शायद इसमें नहीं है। लेकिन बात ऐसी है कि जो नेहरू जब यूसीसी लॉ लाने की बात की गई थी तो नेहरू की तरफ से ये कहा गया था कि हिंदू मैरिज एक्ट आया था वो हिंदुओं के लिए उन्होंने लागू भी कर दिया था, लेकिन जब मुस्लिमों पे यही हिंदू मैरिज एक्ट लाने की एक शादी की बात या डिवोर्स एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क होना था तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि वो माइनॉरिटी है तो हम इम्पोज नहीं कर सकते अपना विल। अब उसके कारण ही ये डबल स्टैंडर्ड हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंदर, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सभी नागरिक एक हो सकते हैं, रिलीजन आपका जो भी हो स्वाभाविक है। तो वो यूसीसी वाला एक बहुत बड़ा शुरू से जिस समय आजादी हुई थी उस समय सही ढंग से पॉलिसी को लागू किया जाता तो न उस समय परेशानी होती न आज के समय में उसका कोई रिएक्शन होता। और एक चीज हम लोग करें, मुस्लिम हज कमेटी वगैरह का चक, हाँ वो हज कमेटी भी उसी समय हुई थी, अपीजमेंट जिसको कहते हैं ना वो उसी समय वहां पे से लागू होना चालू हो गई थी। और साथ में ये भी था कि जो ये उसके बाद फिर इंदिरा गांधी ने भी काफी उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन में लाके सेक्युलरिज्म का नाम भी ऐड कर जोड़ा गया। उसके बाद आज भी हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है राजनीति में हर जगह वोट के लिए वो इस फ्री बांटते रेवड़ी बांटते रहते हैं या कुछ कुछ इस तरह की बातें करते हैं जिससे उनको वोट बैंक का ये हिस्सा बनाया जा सके। उस समय करप्शन के लिए भी कोई नियम कानून नहीं बना था जिसके कारण वीके मेनन जीप स्कैम हुआ था या और भी कई तरह की स्कैम की घटनाएं हुई थी। एक तो फेमस उनका जो फिरोज गांधी वाला, हाँ उन्होंने लोकसभा में जाके सवाल किया था LIC मुंद्रा स्कैम को लेके, और फिर वो जवाहरलाल नेहरू उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। इवन उनके ये फिरोज गांधी सनिंग लॉ थे उनकी भी बातें नहीं सुनी गई। बाद में फिरोज गांधी ने त्याग पत्र दे दिया था। तो वीके मेनन का जीप स्कैम जो है वो भी काफी फेमस है। आप समझ सकते हैं कि भारत एक नया देश था उस समय, आप वहाँ पे स्कैम अगर करते हैं तो आप एक गलत इंप्रेशन एक गलत एग्जाम्पल देते हैं आगे के पीढ़ियों के। शुरू में ही इस सब चीज पर दबाव पड़ना चाहिए, सही नियम बनना चाहिए था, जो उस समय ऐसा कुछ हुआ नहीं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो नेहरू के समय में जो एक चला था उस समय बात थी कि नेहरू का अट्रैक्शन जो था वो सोवियत यूनियन के तरफ बहुत ज्यादा उनकी पॉलिसीज को जो थी वो बहुत ज्यादा इनैक्ट करना चाहते थे, और सोशलिज्म वो देख जो है वो मतलब सोवियत यूनियन या स्टालिन कहें स्टालिन से ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेरित है। तो वो 5-year प्लान जो था वो भी सोवियत यूनियन से आया था। ये हायर एडुकेशन के लिए वो भी सोवियत यूनियन के ही देन थी। पहला जो हमारा खड़गपुर का बना था वो शायद रशिया के साथ ही हेल्प से ही बना था। तो बहुत ज्यादा उसमें ये थी। तो उसके बाद सोशलिज्म का ये जो चक्कर था वो भी हमने देखा। सोशलिज्म मतलब सारे बिजनेसों पे गवर्नमेंट का कब्जा हो जाए। उसके कारण क्या हुआ कि आपके बैंक्स नेशनलाइज्ड हो गए, आपकी सारी कंपनीज नेशनलाइज्ड हो गई। अब जब गवर्नमेंट नेशनलाइज करती है तो वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो जाता, हाँ एफिशिएंसी खत्म हो जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट प्रॉफिट पे तो जाती नहीं है। अगर जैसे अभी एग्जांपल ले ले BSNL में एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा है, कमाई उतनी नहीं है, तो गवर्नमेंट कहाँ से दे, टैक्स पेयर का पैसा बार बार गवर्नमेंट BSNL में डाल रही है। अगर हम टैक्स पेयर का वो पैसा बच जाता तो शायद वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में मिल जाता है या एजुकेशन में या हमारे टैक्सेस ही कम हो जाते। तो वो ऐसा नहीं हो पाया। ये सोशलिज्म की देन जो है वो आज भी हम देख रहे हैं उसका रेड टेप। इसको इंदिरा गांधी ने सबसे पीक पे ले गई थी और उनके समय जो इनकम टैक्स रेट था वो एज हाई 99-98% चला गया था उस समय। और उस समय उनके जो शायद फाइनेंस मिनिस्टर नहीं RBI गवर्नर थे
डॉक्टर मनमोहन सिंह उसी समय थे। हाँ हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर बहुत बाद में। हाँ, वो तो 1992 नरसिम्हा राव के समय में बने थे। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारी जो इसके कारण हुआ क्या, एज ए रिजल्ट बाकी जो भी देश थे, चाहे वो न्यूक्लियर बम से भी तबाह हो, जैसे जापान हुआ हो, या युद्ध से भी तबाह हो, वो सब ऊपर आ गए। जर्मनी तो पूरी तरह से विध्वंस हो चुका था, उनका उनकी इंडस्ट्रीज का, उनका सब खड़े हो गए। उनके ऊपर भी जो है जर्मनी में, आधा जर्मनी सोवियत के कब्जे में था, आधा ईस्ट वेस्ट जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी उस समय चलता, लेकिन था। सब डेवलप कर गए और भारत बिलो एवरेज रहा, तो उसमें भी हम पीछे हो गए। अभी तो हम चाइना से काफी ज्यादा पीछे हैं इस मामले में। अर्बनाइजेशन में भी देखें तो चाइना 66% अर्बनाइज है, हम अभी 24 के आसपास या 30 के आसपास। ये सब बहुत मायने रखता है। फिर भी कोशिश जारी है, अभी के समय में हम लोग उम्मीद करें जो देश हमारा आगे बढ़े। अब जो गलती हुई या जिस कारण से भी कोई इस तरह की घटनाएं आज हो रही है, उस सब गलती को सुधारा जाए और हम लोग आगे बढ़े। तो एक बेसिक क्वेश्चन जो मैं स्टार्टिंग में ही दे रहा था, क्या ये बात सही है, ये यहाँ पे जो ये अगर आप गलतियों की पूरी श्रेणी देखे, और अच्छाई भी अगर नेहरू की हो, तो गलतियां इतनी ज्यादा और इतनी भयावह भी है कि हम आज भी सफर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो वहाँ की बीजेपी की सरकार है, वो कुछ और उनका इरादा हो, कोई और पॉलिटिकल, ये हो सकता है, इरादा अलग अलग रहता है, कहीं पॉलिटिक्स भी है और कहीं वास्तविकता भी है, लेकिन कहीं दूसरे को ऊपर करने का भी है, जिनका नाम, जिनकी महत्व जिनको देना चाहिए था, अगर उसको नहीं दिया गया तो गवर्नमेंट का ये भी व्यू हो सकता है, जो उन लोगों को भी ऊपर सबके सामने प्रकट किया जाए, सबको बतलाया जाए उनका क्या योगदान है, उसके विषय में जाना जाए, इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसा भी किया होगा। तो वही बात है कि जब आप देख रहे हैं कि नेहरू गांधी का इतना नाम है कि हर राज्य में, हर शहर में उनके नाम पे चाहे रोड होते हैं, चाहे बिल्डिंग होती है, स्टेडियम्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती है, जू होते हैं, चिड़ियाघर, उनका भी नाम गांधी फैमिली के नाम पे ही है। तो इस तरह हम देखते हैं कि और बाकी जो ये है उनका इस तरह का होना चाहिए। अगर कोई साइंस का चीज है तो किसी साइंटिस्ट के नाम पर हो, कोई स्पोर्ट का चीज है तो स्पोर्ट्समैन जो थे बहुत बड़े, जैसे ध्यानचंद वगैरह, उन लोगों के नाम पर होना चाहिए। अगर अलग अलग क्षेत्र के लोगों के नाम पर, उसके साथ जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं उनकी जानकारी में आएगी, तब तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे जो युवा हैं उनको इंस्पिरेशन भी मिलेगा, स्वाभाविक है, खेल की भावना है। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन को ही ऊपर उठाते रहेंगे तो फिर कोई इंस्पायर्ड, वो भी सिलेक्टेड पर्सन, हाँ सिलेक्टेड, लगता है कि भारत में बस गांधी नेहरू ही। तो आज का ये टॉपिक कैसा लगा आपको? नहीं, इस तरह की बातें, बहुत सारा चीज क्लियर हुआ। और अगर लोगों के जाने, आज का जमाना हो गया है सोशल, ये काफी चल रहा है, तो लोगों को सोशल मीडिया कहिए, मीडिया कहिए, तो इस सब पर भी चल रहा है। कंप्यूटर का जमाना आ गया, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग जानना भी चाहते हैं पुराने चीज़ों को जो भूल रहे थे, आज वो उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए और कोशिश हम लोग भी करेंगे आगे भी, तरह तरह के टॉपिक पर विचार दें, अच्छा या जिसकी जानकारी लोगों को नहीं है उस संबंध में भी करें, आई ओपनिंग टॉपिक जो बहुत, ये हम लोग कोशिश जारी करेंगे। हम लोगों को आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए आगे भी, आप लोग सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ने में हम लोगों को मदद करें और व्यू भी करें जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। 15 अगस्त की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और जैसे कहा ये चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चलते हैं फिर, अगली बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते नमस्ते।